सभी बोलेंगे ओम शांति। सुबह से आज तो ब्रह्मा बाबा को भी जान लिया, ये संस्था कब से चालू हुई, कैसे है, सब कुछ जान लिया, है ना। पिकनिक भी करके आए, साइट सीन भी करके आए, और अभी हम बैठे हैं ऐसे सत्र में, क्योंकि 3 दिवस से हम सभी सुन रहे हैं खुद के बारे में, उस परमात्मा के बारे में। फिर भी कई ऐसे प्रश्न होंगे जो आप इस समय हमारे समक्ष रख सकते हैं। भ्राता सूरज भाई एंड हमारी बहन दीपा दीदी भी यहाँ हाजिर है, हम एक बार फिर से उनका तालियों से वेलकम करेंगे कि हमारे बीच यहाँ हमारे ही सवालों का समाधान कर दें, यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले सूरज भाई जी आपके लिए है। किसी ने प्रश्न पूछा है, हमारे बच्चे हमारे से दूर रहते हैं पढ़ाई या जॉब के हिसाब से, तो हम कैसे उनकी पालना देवे, और एनी मोमेंट उनको कभी भी कोई मुसीबत आती है या कोई ज़रूरत पड़ती है तो कैसे हम उनको हेल्प करें, तो उनके प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। ओम शांति। हर माँ बाप की इच्छा होती है बच्चे बहुत सुखी रहें, सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ें, कठिनाइयाँ ना आएं, पर आती भी हैं। सबसे पहले तो हमें सभी को, माँ बाप को, अपने बच्चों को शुरू से ही बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, और इतना स्ट्रॉन्ग कि वो समस्याओं से, परिस्थितियों से घबराएं नहीं, बल्कि अपना मार्ग निकालें, किसी का सहारा ढूंढने की कोशिश न करें। सबसे अच्छी बात तो ये है, लेकिन माँ बाप का भी कर्तव्य है उन्हें मदद करना। वो दूर हैं फिजिकली, तो आप उन्हें शायद तुरंत मदद न कर सकें, लेकिन श्रेष्ठ संकल्पों से, राजयोग की यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसके वाइब्रेशंस देकर उनमें हिम्मत भर सकते हैं, और आजकल तो सबके पास मोबाइल है, उससे भी उनकी हिम्मत बढ़ाएं। निराश वो हुए हैं, उनकी निराशा को दूर करें, प्रोत्साहन दें, और अगर आपको बीज समझ में आता है उनकी समस्याओं का, तो उस बीज को समाप्त करने के लिए भी प्रयास करें। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप में से ही एक व्यक्ति मेरे पास आए, बैठे होंगे या गए, लड़का या लड़की, वो तो मुझे भूल गया, CA का एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम 4 बार दे चुका, नहीं क्लियर हुआ, लेकिन उन्हें विश्वास है, और ज्योतिषी ने भी बताया है कि ये CA ही बनेगा, तो उनको भी इच्छा है और वो भी सोचता है मुझे CA ही बनना है। मैं उनसे पूछता रहा, भाई आखिर हुआ क्या, स्टडी अच्छी नहीं, तैयारी अच्छी नहीं थी, या क्या था। फिर जब मैंने एक प्रश्न किया जो मैं युवकों से प्राय पूछता हूँ, मोबाइल पे कितना समय देते हो और फ्रेंड्स कितने बनाए हैं, समझ गए ना बाप। तो उसके बहुत सारे फ्रेंड, वो दिनचर्या का लंबा समय फ्रेंड से बात करने में देता है, इसलिए उसके मार्क्स एवरेज आते हैं, पास मार्क्स केवल, कोई बहुत अच्छी परसेंटेज नहीं। अब मैंने बताया कि देखो, अगर क्लियर करना है तो उसे समझाना पड़ेगा। अब वो यहाँ नहीं है, बच्चा या बच्चे, वो घर है, उसे कन्विंस करना पड़ेगा कि अगर जीवन में कुछ अचीव करना है तो इस स्टूडेंट लाइफ में, जब तक आप अपनी मंजिल पर ना पहुँच जाओ, इन साधनों का दुरुपयोग ना करो जरा। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने फ्रेंड्स को छोड़ दो, आपने 20 बनाए हैं उनसे फ्रेंडशिप रखो, थोड़ी थोड़ी हलो कर लो, लेकिन लंबी चौड़ी बातें, उसका इफेक्ट ब्रेन पर होता है, उससे उनकी एकाग्रता बट जाती है,
तो न पढ़ाई में सफलता होती न ऐसे कंपटीशंस में. तो इस तरह के केसेज में माँ बाप उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस देकर, उन्हें अच्छी बातें सिखाकर, उन्हें जीवन का मूल्य सिखाकर मदद कर सकते हैं. ठीक है. बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी. दीपाबेन, आपके लिए क्वेश्चन है कि स्पिरिचुअलिटी आजकल जो यूथ है उसमें हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं. माना आज यूथ, माना कई कहते कि ये उम्र नहीं है स्पिरिचुअलिटी की, तो हाँ, आप क्या बताएंगे इसके बारे में. ओम शांति. जैसे हमने 3 दिनों में समझा कि आध्यात्मिकता वास्तव में स्पिरिचुअलिटी अर्थात स्पिरिट की रियलिटी को जानना, अर्थात हमारे स्वयं के बारे में ही जानना, तो हम देखते हैं कि ये तो जितना जल्दी हम जान लेते हैं उतना ही हम स्वयं की जो क्षमताएं हैं उसको प्रयोग करके अपने जीवन में सफल हो सकते हैं. तो हमारे पास, जैसे यहाँ भी आप देखते हैं कि समर्पित भाई सब युवा रूप में ही यहाँ समर्पित रूप में जीवन बिता रहे हैं. ऐसे सेंटर्स पर भी बहुत सारे युवा आते हैं, इसमें से कई सेवाधारी के रूप में भी आपके आसपास हैं. तो उसमें एक बहुत अच्छी युवा है जो सेंटर पर रेगुलर आती हैं उनके पेरेंट्स के साथ. तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही. वो किसी के साथ इंटरेक्ट कर रही थी यूथ के साथ, तो बच्चे ने भी यही प्रश्न पूछा कि ये चीज़ें अभी इस आयु में ज़रूरी है कि नहीं. तो उन्होंने कहा कि वास्तव में हमें ये राजयोग जो है ये श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाता है. तो जीवन जब जीना आरंभ हम करते हैं तब इसे सीखने की आवश्यकता है. जीवन पूरा हो गया तब सीखने का तो फ़ायदा कम होता है. तो वास्तव में हम देखते हैं कि ये आध्यात्मिकता हमें सारा जीवन श्रेष्ठ कैसे बने, विचारों को हम श्रेष्ठ कैसे बनाएं, तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें इससे मदद मिलती है. तो हर एक आत्मा, क्योंकि शरीर की आयु तो हम देखते हैं युवा है, लेकिन है तो हर एक आत्मा ही. तो हम देखते हैं कि जितना छोटी आयु में ये संस्कार पड़ जाता है, विचार करने की जो दिशा है सकारात्मक बन जाती है, स्वयं के प्रति स्वमान रहता है बचपन से ही, तो हम देखते हैं कि बहुत सहज ही युवा अवस्था में वो जो चैलेंजेस आज बाहर फेस करते हैं. आज युवाओं के पास बहुत सारी चैलेंजेस हैं, पेरेंट्स के चैलेंजेस हैं, पढ़ाई के चैलेंजेस हैं, कंपटीशन है, तो इसलिए उनको बहुत आवश्यक होता है. लेकिन मदद युवाओं को तब मिल सकती है कि अगर उनके फैमिली में भी पेरेंट्स भी अगर इस ज्ञान को समझ रहे हैं और उनके आसपास अच्छे ऐसे रोल मॉडल्स हैं, तो हम देखते हैं कि युवाएं जो है वो इसको बहुत अच्छी तरह स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये राजयोग का ज्ञान बहुत प्रैक्टिकल है. डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ करने की बातें हैं. तो हम बहनों का अनुभव है कि सेंटर पर जो युवा आते हैं नए, जो कोर्स करने के लिए, मेडिटेशन सीखने के लिए, क्योंकि ये ज्ञान बहुत लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, उनका इसमें आकर्षण बहुत अच्छा होता है. और अगर सेंटर पर उनको अच्छा संग भी मिल जाता है, पेरेंट्स भी अगर इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसको आगे ले जाने में उनको बहुत मोटिवेशन होता है. तो हम देखते हैं कि और इजी हो जाता है अगर उस छोटी आयु से ही वो इस थिंकिंग को अपना लेते हैं, और उनको बहुत रिजल्ट मिलता है उनकी पढ़ाई में, उनके जॉब में, उनको बहुत उसमें डे टू डे लेवल पर रिजल्ट मिलता है. तो रिजल्ट जब मिलता है तो ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड रहते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद दीपा दीदी जी. भाई जी, आपके लिए एक प्रश्न है. बहन ने लिखा है कि ये मेरा सवाल ठुकरा नहीं देना, काफ़ी समय से उसको ये बहुत सता रहा है प्रश्न. बहन को एक किसी से प्यार है और जो व्यक्ति है उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, दोनों को एक दूसरे के साथ है, बट वो मेरे से शादी नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी शादीशुदा है. तो ऐसे समय में अपने आप को कैसे संभालूं? ऐसे समय आप इसका समाधान मुझे कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल सहज है. अब भगवान से प्यार करना प्रारंभ कर दो. बहन जी कह रही थी हम सब युवा काल में ही तो आ गए यहाँ.
और युवा काल में ही साधनाएं हो सकती हैं। मैं अपने लिए सोचा करता हूँ, मैं 18 साल का यहाँ आ गया था और 18 से 40 साल मैंने जितनी सुंदर साधनाएं की, अगर मैं 50 साल का यहाँ आता तो नहीं कर सकता था। आबू की सारी पहाड़ियों पर मैं अकेला गया हूँ, बैठकर योग अभ्यास किया। स्पिरिचुअलिटी के बारे में जरा सा कह दूँ, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें हमें घर छोड़ के संन्यास लेना हो। सिंपल, मन की शक्तियों को बढ़ाना, मन के विचारों को शुद्ध करना, अपनी बुद्धि को अच्छा बनाना, दिव्य बनाना, साफ करना, सद्गुणों को जीवन में धारण करना, यही स्पिरिचुअलिटी है। इससे जैसा बहन जी ने कहा, बहुत फायदा होगा जीवन में। जो केस इस बहन का है, ऐसे केस संसार में बहुत चल रहे हैं और मैं इस बहन को बधाई दूंगा जिसने यहाँ आकर रियलाइज किया कि सी इज रॉन्ग, वो गलत है। क्योंकि ऐसे में कई जगह तो ऐसे केस हो गए, वो भी मैरिड, दूसरे से प्यार, उसका परिवार टूटा, उसका भी टूटा, दोनों ने मैरिज की, 2 साल चली, वो भी टूटा, 3-4 लोग और उनके परिवार और बच्चे बिल्कुल अशांत, टेंशन में, समाज की बदनामी में जीवन गुजारने लगे। तो बचेंगी हमारी बहनें, अब भगवान से प्यार करने का सुंदर समय है। मीरा ने तो श्री कृष्ण के प्यार में रजाई छोड़ दी, सफ़ेद वस्त्र पहन लिए, वृंदावन चली गई, भक्ति का प्रचार प्रसार कर दिया भारत में। हम केवल देहधारियों से प्यार छोड़ेंगे, क्योंकि ये प्यार प्यार नहीं होता। मैं जरा क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये प्यार वासना होता है और वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती हैं। सच्चा प्यार तो कुछ और है, प्यार में तो कुर्बानी है। अगर इसका उससे सच्चा प्यार है तो उसके परिवार को ठीक रखने के लिए ये अपने प्यार की कुर्बानी अवश्य कर दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं इस बहन को बधाई भी दूंगा जिसको ऐसी सद्बुद्धि प्राप्त हुई है और अपने को संभाले। आपको शादी करनी है, माँ बाप जो सब कुछ देख कर शादियाँ कराते हैं उनके माध्यम से कराएं, तो आपका पूरा जीवन सफल, सुखी, सुरक्षित, सफलता की ओर, समाज में भी सम्मान प्राप्त करते हुए बीतेगा। और एक क्वेश्चन भाई जी, भाई साहब कहना चाहते कि हमारे परिवार में मेरी पत्नी और पुत्र वधु दोनों में काफ़ी कलह क्लेश चलता है, आपस में नहीं बनती। शादी होकर पुत्र की 2 साल हुए, आए दिन रोज के झगड़े चलते हैं, तो इसका कोई उपाय बताए। और साथ ही साथ किसी ने कहा है कि मैं छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता हूँ और मैं शांति चाहता हूँ, लेकिन शांति की जगह अशांति ही होती है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं जैसा चाहूँ वैसे ही हो, लेकिन हो नहीं पाता है, तो क्या उपाय है? पहली बात, मैं पहला आंसर दूसरी बात का देता हूँ। अशांत मनुष्य इसीलिए, जो इन्होंने खुद कह दिया, एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं दूसरों से। मनुष्य ये सोचता है मैं जो चाहूँ वही सब करें, वो भूल जाता है कि दूसरा भी कुछ स्वतंत्र है, उसको भी अपने कुछ विचार हैं, उसकी भी अपनी कुछ मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, शारीरिक, समय की, परिवार की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सामर्थ्य और असामर्थ्य हैं। इसलिए जिसको सुखी जीवन जीना हो, जिसको जीवन में और परिवार में शांति लानी हो, वो जरा अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करें।
बहुत साल पहले मैंने एक स्लोगन लिखा था, वो अब सारे भारत में क्या संसार में फैला हुआ है। मैं अच्छी अच्छी बातें लिखकर अपने कमरे के सामने रख देता था, ब्लैक बोर्ड होता था, और तो कुछ नहीं, अब से 40-45 साल पहले चौक से मैंने लिख दिया, इच्छाएं कम कर दो, समस्याएं स्वतः ही कम हो जाएंगी। लोग लिखने लगे उसको आकर, मुझे लगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। अब मैं जहाँ तहाँ उसको लिखा हुआ हमारे यहाँ लिखे प्रिंटेड मिलते हैं, वो देखता हूँ। तो ये जो कामनाएँ हैं, देखिए दूसरों से कामना हो रही है, उसकी किसी और से कामना है। मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ। एक व्यक्ति खाली मटके में बार बार गिलास डाल रहा है पानी लेने के लिए, बार बार कोशिश कर रहा है पर गिलास तो पानी से भरता नहीं क्योंकि मटका तो खाली है। जिनसे हम कामनाएं कर रहे हैं उनके मटके तो पहले ही सूख गए हैं, वो हमें पानी कहाँ से देंगे। इसलिए शांत रहना या न रहना, सुखी रहना या दुखी रहना, परेशान रहना या सुखपूर्वक खुशियों में जीवन बिताना, ये हर मनुष्य के अपने हाथ में है। बोलो है या नहीं। सारे संसार को देख लो आप, खुश रह सकते हैं जो रहना चाहते हैं। मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर की एक बात बहुत अच्छी लगी, विदेश में थे वो पीछे कहीं, तो भारतीयों से मिलते ही हैं। देखिए कितने सुंदर विचार हैं, बोले लोग मेरे ऊपर पत्थर फेंकते हैं, मैं उन पत्थरों से सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाता हूँ। है ना सुंदर विचार। ठीक है, कोई आप में से उनकी पार्टी को प्यार करते होंगे, कोई नहीं, वो अलग बात है, पर सुंदर विचार तो सारे संसार के लिए सुंदर होते हैं ना। तो हम अपने जीवन को सुखी या शांत, खुशियों में या आनंद में, आशाओं में या सफलताओं में खुद रख सकते हैं। सास बहू के झगड़े की बात आ गई। आज एक ग्रुप मेरे से मिलने आया तो उसका सीधा प्रश्न था कि आप एक सास बहुओं का कॉन्फ्रेंस जरूर कर लो यहाँ। मैंने कहा भाई सास और बहू की कोई यहाँ विंग हमारी नहीं बनी हुई है। कई सास दूसरों के सांस ही बंद कर देती हैं, तो बहू पढ़ी लिखी हैं, झुकने को तैयार नहीं होती। पर मैं कहूँगा, माताएं बैठी हैं यहाँ, आप भी कहीं कभी सास हैं तो कभी बहू थी, आपको भी अपने जीवन का लंबा चौड़ा अनुभव है। जो अपने को बुद्धिमान माने उसे झुक कर चलना चाहिए, जो अपने को बड़ा समझे, सास आयु में तो बड़ी है पर विचारों में बहू भी बड़ी हो सकती है, जो अपने को बड़ा समझे, समझदार माने, उसे चुप रहना सीखना चाहिए। छोटी बातों में यदि हम डिबेट करते रहेंगे घरों में तो मुश्किलात होती है ना। अब देखो लड़के को मुश्किलात होती है, एक उसकी माँ है जिसने उसे पाला है, दूसरी उसकी पत्नी है जो उसकी जीवन साथी है, अब वो किसका फेवर ले, ये बड़ी समस्या होती है। आप में से भी कई बैठे होंगे इन समस्याओं से गुजरने वाले, बैठे हैं, कोई हाथ नहीं उठवाऊंगा। अब वो अगर पत्नी का तरफदारी लेता है तो माँ कहती अच्छा मैं कुछ नहीं तेरे लिए, बहू ही सब कुछ है, और अगर वो माँ का लेती है तो बहू कहती है मैं तो चली अपने घर माँ के साथ ही रहो, तो समस्या तो हो जाती है। इसलिए जैसे मैंने कल कहा था, ईगो यही मूल समस्या है। नहीं तो दो बहनें जहाँ हों, एक सास और एक बहू, उनमें यदि सामंजस्य हो, मिलन हो, सुंदर विचार हो, तो वो घर स्वर्ग बन जाता है या नहीं। आप में से ही मेरे पास आज ही दो लोग आए जिन्होंने, एक ने कहा हमारा 23 लोगों का परिवार, 23
लोगों का परिवार हम इकट्ठे रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। दूसरे ने भी कहा, हमारे परिवार में 15 लोग हैं, हम सब बहुत प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। तो धन, स्वार्थ, अभिमान, अत्यधिक एक दूसरे से कामनाएं, ये इन संघर्षों के बीज हैं, इनसे हम बचें। हम बड़े हैं तो झुक कर चलें, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बहुत सुंदर, दीपा दीदी आपके लिए है। दीदी, मुझे संसार के भोग भी बहुत अच्छे लगते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ, योगी लाइफ भी बहुत अच्छी लगती है। जीवन में बहुत सफल भी हूँ मैं और बहुत खुश भी हूँ। क्या भोग और योग साथ साथ चल सकते हैं? और साथ ही पूछा है, अगर कोई सालों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और बीच बीच में माया आ जाए तो उसे पवित्र रहना कहेंगे या नहीं? हम देखते हैं कि योगी जीवन और भोगी जीवन, उसमें अंतर तो हम स्वयं ही महसूस करते हैं। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो हमने देवी देवताओं के आगे माथा झुकाया, नमन किया, सन्यासियों के आगे नमन किया, क्योंकि हम समझते हैं कि इनका जीवन पवित्र है, शुद्ध है। तो ज़रूर हम अपने भोगी जीवन को इतना ऊंच नहीं समझते हैं, इसलिए तो हमने देवी देवताओं के पवित्र जीवन को या सन्यासियों के पवित्र जीवन को अपने से श्रेष्ठ माना, इसलिए उनको नमन किया। तो हम ज़रूर कहेंगे कि योगी जीवन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ राजयोग के द्वारा परमपिता परमात्मा हमें गृहस्थ में रहकर कैसे राजयोगी जीवन बिताना है वो सिखा रहे हैं। इसलिए जो हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य के रूप में है, जो पीछे भी एक चित्र रखा हुआ है लक्ष्मी नारायण का, तो हम देखते हैं कि वो लक्ष्य के रूप में हमारे सामने ईश्वर पिता ने रखा है कि नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। जैसे बिजनेस में भी आप एक ऊंचा लक्ष्य रखते हैं, एक कहीं ना कहीं आपको जो कोई और व्यक्ति ने अच्छा बिजनेस किया है ऐसे बेंचमार्किंग रखकर आप अपने बिजनेस को चलाते हैं, तो परमात्मा ने भी हमें ऐसा लक्ष्य दिया है। इसलिए भोगी जीवन उस रूप से गृहस्थ में जीवन जरूर हमें रहना है, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भी कैसे हम ये विकारों से निर्लिप्त रहें, अलिप्त रहें, उससे न्यारे रहें और हमारे सभी संबंधों में वो स्नेह समाया हुआ हो, न्यारे और प्यारे रहें, जो परमात्मा रोज़ हमें इस ज्ञान के द्वारा, राज्यों के अभ्यास के द्वारा और ईश्वरीय ज्ञान के रोज़ हमारी जो स्पिरिचुअल स्टडी होती है, जिसको आध्यात्मिक भाषा में हम ज्ञान की मुरली कहते हैं, उसके द्वारा धीरे धीरे हमारा भोगी जीवन योगी जीवन बनता जाता है। तो रहते गृहस्थ में ही है, वही प्रकार का हमारा गृहस्थ जीवन रहता है, परिवार है, जिम्मेवारी है, लेकिन वृत्ति हमारी, भावनाएं हमारी योगी जीवन के रूप में बन जाती है। इसलिए आज भी हमने लक्ष्मी नारायण के द्वारा देवी देवताओं के रूप से उनकी पूजा की, तो है तो वो गृहस्थ में, तो इसलिए जो हम भोगी समझते हैं अर्थात गृहस्थी जीवन, लेकिन गृहस्थी जीवन में भी हम कैसे मन को, बुद्धि को योगी बनाएं, परमात्मा के साथ हमारा योग लगा हुआ रहे, हमारे संस्कार ऐसे शुद्ध और श्रेष्ठ बने, वो प्रैक्टिकल में हम देखते हैं इस राजयोग के अभ्यास से। बहुत सारे परिवार, कई तो सेवाधारी जो आपके पास, आपने आसपास देखा है, जो बिरस रहे हैं आपको, जो सेवाओं में आपके साथ लगे हुए हैं, तो वो भी गृहस्थ जीवन रह रहे हैं, यही प्रकार की आपकी लाइफ उनकी है, लेकिन भोगी जीवन नहीं है, अर्थात कोई भी कर्म इंद्री के वश नहीं है, उनके बुद्धि में कोई भी प्रकार की नकारात्मकता का प्रभाव 100% नहीं है। कहीं ना कहीं संस्कार जो है धीरे धीरे हमारे चेंज होते हैं। हमें अगर अंतर में चेक करें तो हमें कौन सा जीवन बनाना है, भोगी जीवन बनाने की प्रेरणा हमें मिलती है या योगी जीवन, क्या कहेंगे? अंतर मन हमारा किस जीवन के प्रति आकर्षित होता है? योगी जीवन। लेकिन गृहस्थ में रहकर कैसे योगी जीवन
बनाना है वो प्रैक्टिकल में परमात्मा हमें सिखा रहा है. तो गृहस्थ छोड़ना नहीं है, जिम्मेवारी छोड़नी नहीं है, संबंध छोड़ने नहीं हैं, बच्चों के प्रति हमारा कोई भी जो संबंध है उसमें हमें कोई छोड़ना नहीं है. लेकिन सब कुछ करते हुए कैसे योगी जीवन बनाना है वो यहाँ हमें राजयोग के द्वारा सिखाया जाता है. इसलिए हम दोनों ही लाइफ को इंजॉय करते हुए वहाँ भी सुखदायी जीवन हमारा रहता है और साथ में जैसे बताया कि साधना भी हमारी रहती है. यहाँ भी अगर हम देखें तो हमारा भी ईश्वरीय परिवार है. जैसे आपका गृहस्थ जीवन है ये भी एक परिवार है. तो परिवार और संगठन में रहते हुए हम योगी जीवन जी रहे हैं, जिम्मेवारियाँ निभाते हुए, सभी आपस के संबंध, इतना बड़ा परिवार, संबंध निभाते हुए भी योगी जीवन का सुख जो है, परमात्म प्यार का, परमात्म आनंद का सुख जो है वो हम भोग रहे हैं. तो दोनों ही साथ साथ हम देखते हैं परमात्मा राज्यों के द्वारा हमें सिखा रहा है वो लाइफस्टाइल. एक बार आप ये अनुभव करते जाएंगे तो आपको ये राजयोगी जीवन का जो सुख है अनुभव हो जाएगा, तो ये लाइफ हमेशा के लिए बनाने की प्रेरणा मिलेगी. ओम शांति. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई जी, योग करते वक्त मन स्थिर नहीं होता है, आधे घंटे तक प्रयत्न करते हैं क्योंकि अभी अभी हम सीख रहे हैं तो नया है, तो माइंड को हम स्थिर नहीं कर पा रहे हैं और उसी में ही माया ये क्या है. तो परमात्मा के साथ तो हम प्रेम से याद कर रहे हैं, तो प्रेम और माया में अंतर क्या है. माइंड को स्थिर कर रहे हैं, विचलित हो रहा है, लेकिन जब अमृत वेले का खास योग कहा गया है तो प्रेम के साथ साथ नींद भी बहुत आ जाती है. तो कैसे इसका उपाय क्या है. नींद सवेरे आ जाना बड़ा नेचुरल है, कहीं यहाँ के भी सो जाते हैं, कहीं तो खराटे ही लेने लगते हैं, औरों को जगा देते हैं, खुद सो जाते हैं. योग में, योग अभ्यास, आप सभी को एक छोटी सी और सुंदर बात याद रखनी होगी. एकाग्रता मन की तब होगी जब आप केवल ये योग केवल ध्यान लगाने का नहीं, सुंदर विचार क्रिएट करेंगे. सुंदर विचार क्रिएट करते करते बाकी व्यर्थ विचार जिसे माया कहते हैं वो स्वतः ही समाप्त होंगे. और आप लंबा समय शुरू में योग में नहीं बैठेंगे, 10-10, 15-15 मिनट बैठो. हमारे यहाँ कमेंट्रीज की सीडी बनी हुई हैं बहुत सारी, आपको नेट पे मिलेंगी, उन्हें बजाकर फिर आप मेडिटेशन करें. सवेरे अगर आपको नींद आ जाती है तो आप निराश भी ना हो, 6 बजे तैयार होके नहा धो के फिर योग कर लें. इवनिंग के टाइम करें 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, और आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे कि हम कर्म में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कैसे करें. तो कर्म में जब सुंदर प्रैक्टिस होंगी तो विचारों की जो स्पीड है वो सारा दिन धीमी रहेगी. और तब ये माया, माया का अर्थ तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ माया व्यर्थ विचार जो मन को भटकाते हैं उनसे ही संबंध है. सुंदर विचार और बुद्धि जो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है, थर्ड आई ऑफ विजडम है, उससे अपने स्वरूप को देखने का अभ्यास करो. मैं आपको सजेस्ट करूँगा 10-10 सेकंड केवल, 10 सेकंड. मैं चमकती हुई आत्मा यहाँ हूँ, मैं पीसफुल हूँ, बस 10 सेकंड हो जाएंगे. फिर दूसरा विचार ले लो, तीसरा ले लो. ये योग के सरल सरल टेक्निक्स आपको मिलती जाएंगी, इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं. अभ्यास इसमें आपको सफल करेगा. जैसे कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस विल लीड यू टू सक्सेस. तो प्रैक्टिस छोड़े नहीं और धीरे धीरे एकाग्रता होती ही जाएगी. अमृत वेले
उठना बहुत अच्छा है, शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करें, थोड़े थोड़े अच्छे अभ्यास कर लें, बैठ के नींद आने लगे थोड़ा घूम फिर के कर लें, जिस कमरे में आप सोए हैं वहाँ करेंगे तो नींद के वाइब्रेशंस होंगे, थोड़ा कमरा छोड़ के बाहर आ जाएं, सिटिंग रूम हो आपके पास उसमें बैठें, बाहर थोड़ा सा पैसे जो उसमें बैठ जाएँ तो थोड़ा फ्रेश रहेंगे। भाई जी, किसी ने कहा है कि मेरा भाई बहुत शराब पीता है और किसी ने उनको कहा कि बियर पीना अच्छा है, तो क्या करें? अब जो पीने वाला है उसको तो अच्छा लगता ही है, इसलिए वो पीता है। आप में से भी कईयों ने स्वाद चखा होगा। देखिए, आजकल तो डॉक्टर भी आपको कहेंगे जो बहुत पी रहे हैं वो जीवन को पी रहे हैं। किसी की किडनी खराब हो रही है, किसी का लीवर, किसी के हार्ट पे इफेक्ट, किसी के ब्रेन पे इफेक्ट, तो आजकल ये सब बहुत ही खतरनाक साबित होता जा रहा है। इसलिए मैं आपको याद दिलाऊंगा तीन चीज़ें जो आपने यहाँ सुनी हैं। मैं आत्मा मूल रूप से पवित्र हूँ। हम कभी देवी देवता थे सतयुग में, तब भी हम पवित्र, श्रेष्ठ, विशुद्ध, हम भगवान की संतान हैं, उस नाते भी हम बहुत महान हैं। इसलिए ये शराब आदि हमारा भोजन नहीं है, इसे मन से रिजेक्ट कर दें तो आपका परिवार भी सुखी रहेगा। रही बात दूसरे की, जैसे इन्होंने कहा मेरा भाई शराब पीता है, मैं आपको एक सबकॉन्शियस माइंड की सिंपल विधि सजेस्ट कर रहा हूँ। आप किसी के विचार बदल सकते हैं, किसी के संस्कार बदल सकते हैं, शत्रु को मित्र बना सकते हैं। कोई आपके पैसे नहीं दे रहा है, बिजनेस में ये बहुत चल रहा है आजकल, पेमेंट ना देना, उसको आप मोटिवेट, इंस्पायर कर सकते हैं कि वो आपके पैसे दे दे। क्या तरीका है? जब वो व्यक्ति सोया हो सवेरे, मैं अंदाज बता रहा हूँ आपको, 5 बजे 6 बजे जब वो सोया है, क्योंकि जब वो सोया है तब उसका सबकॉन्शियस माइंड जगा है। अब अगर आपने योग सीख लिया है तो 10 मिनट उसको योग के वाइब्रेशंस देंगे, आपने योग नहीं सीखा तो उसे यहाँ आत्मा देखेंगे और माइंड टू माइंड उससे बात करेंगे और पहला विचार उसको देंगे, यू आर ए गुड पर्सन, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आप तो भगवान के बच्चे हो, आप बहुत समझदार हो, बहुत बुद्धिमान हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, ये शराब तुम्हारा भोजन नहीं है, इसे छोड़ दो। लास्ट में कमांड, ये कमांड उसके सबकॉन्शियस माइंड को जाएगा। और आप अगर रोज सेम टाइम करने लगेंगे, इसमें 5 मिनट लगाने हैं बस, सकाश देंगे तो 10 मिनट और 2-3 मिनट माइंड टू माइंड बात करेंगे, आप पाएंगे थोड़े दिनों में उसके विचार वही हो गए जो आप भेज रहे हैं। कोई बच्चा आपका बिगड़ गया है, कोई बच्चा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, कोई गलत मार्ग पे चला गया है, उसको अच्छे थॉट्स देकर उसके विचारों को इस तरह बदला जा सकता है। 7 दिन में बहुत अच्छा परिवर्तन आपको दिखाई देगा, लेकिन ये काम आप 21 दिन तक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा दीदी। यदि अपने ही लगातार हमसे गलत व्यवहार करते हैं, अपमान करें, तो क्या करना चाहिए? इसमें और एक क्वेश्चन पूछा है कि मेरे फादर है जो इस ईश्वरीय ज्ञान में कुछ समय से चल रहे हैं, अमृत वेला करते हैं, मुरली क्लास भी करते हैं, सारी सेवाएं देते हैं, लेकिन उनका गुस्सा नहीं जा रहा है, तो उनके लिए हम और क्या कर सकते हैं? जैसे हमने सीखा कि हम यहाँ एक ईश्वर विश्वविद्यालय में डायरेक्ट परमात्मा से शिक्षाएं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि कोई भी विश्वविद्यालय में जब स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं तो हर एक स्टूडेंट एक जैसा तो पढ़ाई नहीं कर सकता है, और पढ़ाई में भी कुछ सब्जेक्ट्स में वो बहुत अच्छा हो सकता है लेकिन शायद कोई सब्जेक्ट तो उसकी वीक रह जाती है। इसी रूप से हम देखते हैं कि सभी हम भाई बहन जो हैं
सभी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जितना भी समय हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में हमें हुआ है पढ़ाई पढ़ते हुए, ज्ञान में चलते हुए, लेकिन शायद कुछ न कुछ हमारी कोई कमज़ोरी रह गई होगी जो हमने उस पर अटेंशन नहीं दिया है और उसको परिवर्तन नहीं किया है। तो इसलिए हम उस आत्मा को जो पिता है उसको ब्लेम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन समझते हैं कि आध्यात्मिक रूप में अगर हम आत्मा के रूप में देखें, संबंध तो है पिता का, लेकिन हम आत्मिक रूप में देखें तो हम सभी के पास अपने ही जीवन में बहुत सारी कमजोरियों को परिवर्तन करने का कार्य है। तो हम उस आत्मा के लिए जैसे बताया कि हम शुभ भावना जरूर रखते हैं और समझते हैं कि ये सब्जेक्ट उनका वीक है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई भी दूसरे वीक स्टूडेंट को देखकर अगर हम भी सोचे कि भाई हम भी वीक रहेंगे तो ये तो मोटिवेट हम अपने आप को नहीं कर सकते। नहीं, जब भी हम क्लास में पढ़ाई पढ़ते हैं तो किसको देखते हैं, मोटिवेशन किससे लेते हैं, किससे लेते हैं, जो स्टूडेंट अच्छा पढ़ाई पढ़ रहा है, तो जो सब्जेक्ट में उसके अच्छे मार्क्स हैं, जैसे उनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, वो रोज़ अमृत वेला करते हैं, सेवा भाव उनका बहुत है, रेगुलर क्लास करते हैं, तो वो जो डिसिप्लिन का सब्जेक्ट उनका है उसमें वो बहुत अच्छे नंबर हैं, तो उसकी हम प्रेरणा ले सकते हैं। लेकिन जहाँ उनके सब्जेक्ट में कमज़ोरी है, अगर स्टूडेंट जो कमज़ोर है कोई सब्जेक्ट में उसको हम फॉलो करेंगे, उसको हम देखेंगे, तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या होगा, कमज़ोर रह जाएगा। तो अगर हमें अपने हर सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है तो किससे हमें प्रेरणा लेनी है, किसको देखना है, किससे सीखना है, जो उस सब्जेक्ट में होशियार है, जो उस सब्जेक्ट में आगे बढ़ रहा है। तो हम हर एक अपने अपने जीवन में कोई सब्जेक्ट हमारा अच्छा है, कोई सब्जेक्ट वीक है, तो हम शुभ भावना रखें पिता से, जो उनकी अच्छी विशेषताएँ हैं वो तो हम ज़रूर सीखें, लेकिन हम शुभ भावना जरूर रखें और ज़रूर हम अंदर, जैसे बताया कि हम भी अगर शुभ भावना से उनको सकाश देते हैं, उनको अच्छे विचार देते हैं, तो उनको भी अंदर में अंदर थोड़े समय के बाद वो प्रेरणा मिल जाएगी और वो सब्जेक्ट की जो कमी उनकी है उसमें उनको मदद मिल जाएगी। तो हमें उस बात से मन में ये नेगेटिव फीलिंग नहीं क्रिएट करना है कि इतने समय से चल रहे हैं फिर भी ये चीज़ में कमी क्यों, नहीं, हमें जो उनके अच्छे सब्जेक्ट है वो फॉलो करना है और हम अपने जो कमज़ोरी उनकी सब्जेक्ट है उसमें हम मजबूत होकर उनको हम प्रेरणा दे सकते हैं। तो इसलिए हमें फॉलो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए अच्छी बातों को ही हम अपने जीवन में धारण करते जाएं। और जैसे बताया कि हम शुभ भावनाओं से, सकाश से, हम वो वाइब्रेशन से उनको हम परिवर्तन करने में मदद कर सकते हैं। दूसरों का व्यवहार तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन अपने थॉट्स को हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे बताया कि कैसे हम अपने क्रिएट करें थॉट्स, जो अभी सूरज भाई भी आपको बता रहे हैं कि हम अपने थॉट्स को अपने लिए और उनके लिए कैसे पॉजिटिव रखें, और उसमें मेडिटेशन हमें मदद करेगा। बहुत धन्यवाद दीपा दीदी जी। भ्राता आपके लिए है। भाई जी लिखते, मैं पिछले 10 साल से दादा भगवान जी के वहाँ जाता हूँ, लेकिन वहाँ मैं हर साल जाता भी हूँ, वहाँ फ्लैट भी लिया है। 2 साल से मैं बीके से जुड़ा और आप बताते हो कि एक शिव बाबा दूसरा न कोई। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और साथ ही साथ एक योगी के लिए उसकी ड्रीम की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, योगी के लिए ड्रीम स्वप्न की क्वालिटी, स्वप्न कैसा होना चाहिए उसका। सभी संसार में कहीं ना कहीं धार्मिक गुरुओं से या संस्थाओं से जुड़े रहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ से आपको कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ जीवन के लिए मिल जाती हैं। इसमें कुछ बुराई नहीं है, हम उसको इग्नोर नहीं करते, हम उसे रिजेक्ट भी नहीं करते। लेकिन जैसे एक छोटी सी बात कल भी मैंने चर्चा की कि हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी क्लासेस चेंज तो करनी ही पड़ेंगी ना, हम सदाई हाई स्कूल में नहीं रहेंगे, सदाई कॉलेज में नहीं रहेंगे, उससे भी आगे जाएंगे, उससे भी आगे जाएंगे। तो गुरुओं के पास जाना, किसी महापुरुष के पास जाना ये अच्छी बात है,
लेकिन हम यदि परमात्मा से अपने को जोड़ दें तो हम भी वैसे ही महान बन सकते हैं जैसे ये हमारे गुरु या और कोई महान बने हैं। कई सत्साई ऐसाई बाबा के शिष्य भी हमारे पास आते हैं और वे ये कहते हैं, ये प्रश्न कॉमन है कि हम तो वही साई बाबा के भक्त हैं, हम क्या करें। मैं उन्हें यही कहता हूँ कि आप भक्त भले रहो लेकिन भगवान के बच्चे भी बन जाओ, तो जो पावर साई बाबा में थी वो आप में भी आ जाएंगी। और जैसे वो अब दूसरों को मदद करते हैं सूक्ष्म रूप में होते हुए भी, आप भी दूसरों को मदद कर सकेंगे। रही योगियों के स्वप्न की बात, देखिए स्वप्न किसी के हाथ में नहीं होते, सच्ची बात तो यही है, परंतु यदि हम रात को बहुत अच्छे मेडिटेशन के अभ्यास करके सोएंगे तो हमारे स्वप्नों की जो क्वालिटी है अच्छी होती जाएगी और वो चलते चलते सतोप्रधान हो जाएंगे। क्योंकि ड्रीम्स क्या हैं, जन्म जन्म की जो मेमोरीज सबकॉन्शियस माइंड में भरी हैं वो सब हैं। जो हमारी इनकम्प्लीट डिजायर्स होती हैं, अपूर्ण इच्छाएँ, जब वो पूर्ण नहीं होती तो स्वप्न में हम पूर्ण करते हैं। आपको गाड़ी चलाने की इच्छा है, मौका नहीं मिल रहा, तो स्वप्न में गाड़ी चलाएंगे और सोचेंगे वाह हमको भी गाड़ी चलानी आ गई है। तो ये भिन्न भिन्न तरह की चीज़ हैं, लेकिन नींद योगियों की बहुत स्वच्छ, सात्विक, सतोप्रधान, कोई डिस्टर्बेंस पैदा करने वाली नहीं होती है। अगला सवाल है भाई जी कि अच्छा नहीं हो तो अच्छा बोलना, सच बोलना पड़ता है। दूसरा बोलते हैं कि बीके बनकर बीमार होना सही है, और उसी में बीमार होना सही है माना कर्म भोग जो भी है वो चुकतु करना है, और उसी में पूछा है ये 5000 वर्ष कब खत्म होने वाले है। अच्छा, बड़े अच्छे प्रश्न हैं। सत्यता को सभ्यता पूर्वक कहना, सत्यता को उचित समय पर अच्छे शब्दों में दूसरे की मनोस्थिति का ध्यान रखते हुए कहने से सत्यता दूसरे को अच्छी लगती है। नहीं तो कहा यही जाता है कि सत्य कड़वा होता है, पर सच्चा कड़वा नहीं होता, सत्य को कहने का तरीका सत्य को कड़वा बना देता है। देखिए सत्य तो भगवान है, परम सत्य, लेकिन वो कड़वा नहीं है, प्यार का सागर है। और जब वो हम सबको भी आकर सुंदर बातें सिखाता है तो इतने प्यार से सिखाता है कि हम उन बातों को कड़वा महसूस नहीं करते। हंसी की बात सुना देता हूँ, आप में से जो ईश्वरीय महावाक सुनते हैं उन्होंने सुना होगा, कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले शिव बाबा बोल रहे थे ब्रह्मातन में आके, तुम सब बच्चे बंदर बन गए थे, मैंने तुम्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया, आओ रावण से युद्ध करो। तो कितना सुंदर तरीका है कहने का, हमें बंदर भी कह दिया और सुनने वाले सब बहुत खुश हो गए कि भगवान ने हमें अपनी सेना में शामिल कर लिया। तो सत्य बात को हम कितने सुंदर ढंग से पेश करते हैं इस पर सब निर्भर करता है। रही बात कर्मों के हिसाब किताब की, बीमार होने को ये अच्छा है या नहीं, ये प्रश्न नहीं, बीमारियां तो सबको ही आती हैं, हमें भी आती हैं, आपको भी आती हैं। वर्तमान गड़बड़ भी है भोजन आदि में, मुख्य कारण भोजन में जो केमिकल्स डाले जाते हैं, फसलों में जो कीटनाशक डाले जाते हैं उनका इफेक्ट भोजन पर बहुत बुरा होता है और वो हमारे शरीर में जा रहे हैं, इसके कारण बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं। हमारे लौकिक घर में भी खेती होती है, मैं जानता हूँ, बिना कीटनाशक डाले आजकल फसलें हो ही नहीं सकती। पोल्यूशन इतना है कि कीड़े लग जाएंगे दालों को फटाफट, सब्जियां बिल्कुल नष्ट हो जाएंगी, टमाटर बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, खाए नहीं जा सकेंगे। अब टमाटरों पर छिड़क दिया कीटनाशक, भिंडी बैंगन पर छिड़क दिया कीटनाशक, अब उसका कुछ हिस्सा अंदर भी चला गया और आप उसे एक बार धो के सब्जी बनाएंगे, कुछ अंदर भी चला गया बाहर से भी। तो ये सब कारण हो जाते हैं बीमारियों के। इसलिए बीमार होना इसकी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, हम बीमारी में अपनी मनोस्थिति को कितना स्ट्रांग, खुशनुमा, बिल्कुल अच्छा,
ऐसा कि हम बीमार हैं ही नहीं, कितना रख पाते हैं, महत्व इस चीज का है। ठीक है, तीसरी भी कोई बात थी? और एक क्वेश्चन आपसे है कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, किसी के बारे में हम बुरा भी नहीं सोचते हैं, फिर भी हमको सफलता क्यों नहीं मिल रही है? देखिए, बहुत अच्छी बात है। मैं आप सभी को एक बात और कह दूं, ऐसा ही प्रश्न बहुत सामने आता है कि जो बुरे लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, जो ज़्यादा पापी हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो तेज तराक हैं इधर का उधर करने वाले हैं, जिसको आप लोग चमचागिरी कहते हैं, वो थोड़े आगे निकल जाते हैं, हम सीधे साधे अच्छे काम करने वाले, सबको मदद करने वाले, हम पीछे रह जाते हैं। तो देखिए, ये समय कलयुग के अंत में पाप ही पाप है ना, चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, तो ये बुराइयों का समय है। इसलिए थोड़ा बहुत बुराइयों का प्रभाव यहाँ पर तक्ष दिखाई देता है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी बुराइयों में इन्वॉल्व हो जाएं, हम भी वही मार्ग अपना लें जो दूसरे अपना रहे हैं, हम अपने पुण्य करते चलें, हम अपनी ईमानदारी को कायम रखें, हम श्रेष्ठ कर्मों का खाता बढ़ाते चलें। अब समय हमारा भी आएगा, उनका पूर्ण हो जाएगा, ये रात पूरी होगी और अच्छाइयों के दिन प्रारंभ हो जाएंगे। वैसे भी सत्य की विजय होती है। आज कई लोग कहते हैं सत्य की विजय हो ही नहीं रही, सत्य की तो हार हो रही है, ये भी सत्य है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, सत्य की हार भले ही हो जाए, लेकिन सत्य में शक्ति बहुत है, वो आपके साथ रहेगी, जो जीवन भर आपको साथ देगी। काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है कि हम दूर रहते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन था कि बच्चे दूर रहते हैं, अब हमारे ये जिन्होंने क्वेश्चन पूछे वो चाहते हैं कि हम दूर जगह से आते हैं और कहीं और जॉब करते हैं, हम चलते हैं ज्ञान में, लेकिन हमारे परिवार वालों को ज्ञान में लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? ऐसे होता है कि 2-3 साल चले भी हैं लेकिन छोड़कर चले गए हैं, तो वापस उनको कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करें? दीपा दीदी, हम जब भी अपने परिवार को इस आध्यात्मिक पथ की प्रेरणा देना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि ज्ञान सुनाने से ज़्यादा जो इस ज्ञान मार्ग पर चलकर हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, हमारे कोई ऐसे छोटी या कोई बड़ी कमजोरियां थी जो परिवार वालों को उससे परेशानी भी होती थी, उनको अच्छा नहीं लगता था, वो हमें बताते भी थे, तो वो कमज़ोरियों को अगर हमने इस ज्ञान मार्ग पर चलकर उनको हमने थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया है, हमारे जीवन में वो खुशी देखते हैं, सकारात्मकता देखते हैं, जब वो हमें कुछ बातें सुनाते हैं या कभी हमारे साथ इरिटेट होते हैं, गुस्सा करते हैं हमें, या कोई बात से हमसे नाराज़ हैं, हम अगर शांति से उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, हम उनके प्रति कोई हमारी भावनाओं को चेंज नहीं करते हैं, हम उनके साथ उसी प्रकार के प्यार से रिस्पेक्ट से बात करते हैं, तो हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारे जो उनके साथ ऊर्जा की लेन देन है, हमारे जो बोल हैं, हमारा जो जब उनसे मिलते हैं तो हमारे चेहरे का जो हाव भाव है, उसको देखकर उनको प्रेरणा मिलनी चाहिए, उसको देखकर उनको महसूस होना चाहिए कि ये जो पथ पर चल रहे हैं इससे इनको बहुत प्राप्ति हुई है, ये ज़रूर अच्छा पथ है, ये ज़रूर परमात्मा बैठकर इनको ऐसी अच्छी शिक्षाएँ दे रहा है। तो यहाँ भी हमको रोज़ जो आध्यात्मिक हमारा स्पिरिचुअल स्टडी रहता है, ज्ञान की मुरली रहती है, उसमें शिव बाबा हमको रोज़ ये सिखाते हैं कि आपको इस ज्ञान का स्वरूप बनना है, अपने चेहरे चलन जीवन के द्वारा ज्ञान देना है। जैसे दुनिया में भी कहते हैं यू नीड टू वॉक योर टॉक, तो जो हम उनको सुना रहे हैं वो हमारे जीवन में होगा तो फिर हमारे परिवार वाले उसकी प्रेरणा जरूर लेंगे। बाकी हम सुना रहे हैं लेकिन अगर वो जीवन में चेंज नहीं देखते हैं तो उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। दूसरा, जैसे सूरज भाई ने बताया कि रोज़ हम सुबह को जब मेडिटेशन करते हैं
तो वो परिवार वालों को भी हम मेडिटेशन में शुभ भावनाएं देते हैं, परमात्मा के समीप उनको, परमात्मा की छत्र छाया में उन आत्माओं को देखते हैं और परमात्मा पिता से उनको शुभ भावनाएं देते हैं, तो धीरे धीरे उनको भी परमात्मा की समीपता कहीं ना कहीं महसूस होगी और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, जैसे एक कार्यक्रम होते हैं हम उनको निमंत्रण देते हैं तो कभी ना कभी समय पर वो यहाँ आबू में पहुँचते हैं, सेंटर पर पहले पहुँचते हैं, तो वहाँ के वातावरण से उनको अच्छा लगेगा। लेकिन प्रैक्टिकल हमारे जीवन से जो उनको प्रेरणा मिल सकती है उसका कोई और दूसरा नहीं रिप्लेस हो सकता है, तो हमारे जीवन के द्वारा उनको ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। और जो चले भी गए हैं, हम यहाँ रोज़ सीखते हैं कि जो चले भी गए हैं फिर हम कोई ना कोई कार्यक्रम में उनको फिर से बुलाते हैं, उनको फिर से निमंत्रण देते हैं, तो फिर उनको अगर फिर से प्रेरणा मिलती है तो फिर वो इस आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकते हैं। ओम शांति। भाई जी आपके लिए है आगे का। हमें बताया जाता है कि व्यापार में कई बार झूठ बोलना जाहिर है, बोलना पड़ता है, झूठ बोलेंगे नहीं तो कैसे चलेगा। और यहाँ हमको बताया कि हम अपने जीवन में मूल्यों को साथ लेकर आगे बढ़े, कहीं पे भी झूठ कपट नहीं करें। तो ऐसे समय मार्केटिंग में हम क्या करें, मार्केटिंग में कई बार हमको ऐसा करना पड़ता है, तो कैसे हम अपने सेल्स को बढ़ाएं? ठीक है, बोल लिया करो थोड़ा बहुत, ऐसी कोई कट्टरता तो नहीं है। आज मेरे पास आए एक भाई बैठे होंगे यहाँ, मैं वही उदाहरण दे देता हूँ। उन्होंने कहा मेरा काम ट्रांसफॉर्मर लगाना है, किसानों के बिजली लेते हैं ना ट्यूबवेल आदि में गांव में, तो कहा अगर मैं ईमानदारी से बताता हूँ और अच्छी क्वालिटी की बनाता हूँ, मान लो 50,000 की है, तो वो कहेंगे तो बहुत महंगा है, दूसरा तो 30,000 में ही दे रहा है। कहा मैंने एक साल ऐसा ईमानदारी से किया, एक भी ग्राहक नहीं मिला। अब मैंने सोचा मुझे भी वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो दूसरे अपना रहे हैं, फिर मैंने थोड़ी क्वालिटी डाउन की, 30,000 में ही दिया, बहुत सारे ग्राहक मिल गए। लोगों की मेंटलिटी कैसी है, जिनसे आप बिजनेस कर रहे वो कैसे हैं, उस अनुसार आपको डिसाइड करना होता है कि क्या करना है। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ नीचे अब रोड में एक बहुत बड़ी दुकान है, दुकान माना पूरा स्टोर है, लंबे चौड़े हाल हैं दो, उसने अपने प्राइस फिक्स रखे हुए हैं, माल भी बिल्कुल अच्छा अच्छा रखता है। मुझे भी एक साल पहले वहाँ ले गए कि देखो यहाँ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मैंने देखा उसकी दुकान पर बहुत लोग आ रहे थे, उसका बिजनेस बहुत तेज चल रहा था। मैंने उसे पूछा आपने ये पॉलिसी कैसे अपना ली बिजनेस में, आप तो अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा लेने लगे तो आपको कितना फ़ायदा हो जाए, परसेंटेज बढ़ा दो। कहा नहीं, मैंने यही नियम रखा है कि मुझे 10% ही प्रॉफिट लेना है, 10 या 15, उसने कुछ बताया, और इसमें ही मेरी बहुत ज़्यादा इनकम हो रही है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है सीखने की। तो हम अपनी ऐसी कुछ पॉलिसीज भी बना सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने इशारे में आपको कहा, कलयुग में आपको व्यवहार करना है, सच्चे और ईमानदार लोग यहाँ ढूंढने पर ही मिलेंगे आपको, इसलिए उस अनुसार आप डील करते रहें। अगला क्वेश्चन है, बहन पूछ रही है मेरी माँ ने 2 साल पहले शरीर छोड़ा, मैं दोपहर में सोती हूँ तो सपने में मेरी माँ मुझे आती है, मेरे हाथ में रोटी देकर चली जाती है, इसका मतलब क्या है, इस बात को मुझे जानना है। और प्रश्न पूछ रहे हैं कि सनातन, मोक्ष, जैन धर्म, निर्वाण, बौद्ध धर्म, समाधि, इनका अर्थ क्या है? जैन धर्म, निर्वाण। देखिए ये जो इसकी माँ ने शरीर छोड़ा है और वो रात को आती है, इसको रोटी देती है, इसका अर्थ ये नहीं कि उसने जन्म नहीं लिया है,
इसको चिंता ये है कि वो आत्मा भटक रही है इसलिए मेरे पास आती, ऐसा कुछ नहीं। ये जो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरा हुआ है, माँ ने रोटी खिलाई है पकाकर पूरा जीवन, ये उसका रिफ्लेक्शन होता है, इसमें और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। जैनिज्म और बुद्धिज्म में निर्वाण और मोक्ष इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन इससे पहले की यात्रा को हमें समझ लेना होगा कि हम अपने जन्म जन्म के विकर्मों को जब नष्ट करेंगे योग अग्नि में, तभी हम निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। दोनों का मीनिंग एक ही है, मुक्तिधाम में जाना, वो हम सबको जाना है, लेकिन जो विकर्मों का खाता हम सबके साथ चल रहा है उसे योग अग्नि में हमें भस्म करना होगा। उससे ही हमारी कर्मेंद्रियाँ कंट्रोल में होंगी, अंग अंग शीतल होंगे, हमारा मन वश में होगा, बुद्धि प्योरीफाई होगी और हम धीरे धीरे इस जीवन में ही निर्वाण स्थिति या मोक्ष स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। सार में मैं कहना चाहूँगा, जो जीवन में मुक्त नहीं हुआ बुराइयों से, मनोविकारों से, क्रोध से, इच्छाओं से, वासनाओं से, मरने के बाद उसे मोक्ष कदापि प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मुक्त पहले यहाँ होना पड़ेगा। बहुत सुंदर। दीपा दीदी प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरी बच्ची किसी एक चीज़ के लिए, अर्थात उनको फॉरेन जाना है, तो काफ़ी तरस रही है उसको वहाँ जाने के लिए, वो उसके लिए बाबा का चिंतन भी करती है कि मुझे ये दिला दो, लेकिन अभी तक उसको यश नहीं मिल रहा है, क्या करें। और उसी में उन्होंने पूछा है कि हम भी मैं 6 साल से जाती हूँ, लेकिन मेरे युगल मुझे अब मना करते हैं, तो कैसे उनको हम मनाएं? जैसे पहले बताया कि बच्ची को विदेश जाना है और उसको उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो हम देखते हैं कि विदेश में भी कई बच्चों को यही जाना है, या तो पढ़ाई के लिए या तो कैरियर के लिए। तो अगर नहीं भी अभी मौका मिल रहा है, तो इस यहाँ ही भारत में या जो उसके स्थान में हैं वहाँ उसके पास जो मौके हैं अवेलेबल उपस्थित हैं, पहले उस मौके का तो प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ की अगर कोई यूनिवर्सिटी अच्छी होगी भारत में, उसके लिए पढ़ाई करके वहाँ अगर वो अपने आप को ले जाए तो वहाँ आगे पढ़ाई पढ़ सकती है। जॉब अगर उसको अच्छा यहाँ कोई और लगता है तो वो ले सकती है। तो यहाँ ही पहले अपनी जो भी उसकी एम्बिशन है या आकांक्षाएँ हैं, वर्तमान में जो उसके पास मौके हैं उसको अगर हम प्रयोग करते हैं, तो ज़रूर भविष्य में हमारी प्रगति के लिए हमें आगे कोई मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर हम वर्तमान के जो हमारे पास अवेलेबल मौके हैं उनको हम ना देखकर सिर्फ भविष्य के कोई मौके के बारे में इंतज़ार करते रहें तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। तो पहले इस समय हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, प्रैक्टिकल तो यही होगा कि उसको हम देखें। बाकी हम जैसे यहाँ सीखते हैं मेडिटेशन में, हम परमात्मा के पास वो संकल्प रखते हैं और परमात्मा को वो जिम्मेवारी दे देते हैं कि जो भी कार्य में मेरा कल्याण हो, यहाँ या विदेश में, जहाँ भी मेरी प्रगति हो, परमात्मा हमें दिशा देगा। तो जब हम उसको सौंप देते हैं ये संकल्प और निश्चिंत होकर अपनी प्रगति वर्तमान में करते रहते हैं, तो समय आने पर अगर हमारा भविष्य उसमें श्रेष्ठ बनना ही है तो आगे जाने का हमें मौका ज़रूर मिलता है। लेकिन उसकी चिंता करते हैं तो अभी के पास जीवन में जो हमारे पास मौके हैं उसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जैसे बताया कि 6 साल सेंटर पे जाना अच्छा लगता है, लेकिन मना किया जाता है। हाँ जी, तो वही हम देखते हैं कि हम ज्ञान में तो चल रहे हैं, लेकिन ज्ञान में चलते चलते हमने कैसे अपने संस्कारों को परिवर्तन किया है। और हम देखते हैं कि कोई ना कोई नाराज़गी जो भी साथी में होगी, क्योंकि ज्ञान मार्ग में भी हम सीखते हैं कि ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में दोनों के इस ज्ञान मार्ग में साथ में चलने का बहुत महत्व है। तो हमारे पास जब भी कोई आते हैं, पहले कोर्स करते हैं, हम उनको बहुत प्यार से कोर्स पूरा करते हैं, या कोर्स के दौरान भी हम उनको कहते हैं कि आप अपने हस्बैंड को सेंटर जरूर ले आएँ। बहन जी हैं तो उनको कहते हैं हस्बैंड को ले आएँ, भाई साहब आ रहे हैं तो हम उनको कहते हैं वाइफ को ले आएँ। एटलीस्ट वो स्थान देख लें कि कहाँ आप रेगुलर आते हैं। तो कोशिश करके हम पहले से ही उनको इन्वॉल्व करते हैं,
ताकि उन्हें भी महसूस हो कि किस आध्यात्मिक मार्ग पर हमारा ये जीवन साथी चल रहा है. और अगर हम देखते हैं कि हमारे अंदर वो चेंजेस आते जाते हैं, हम अपने लाइफ पार्टनर जो पति है या पत्नी है उनकी ज़रूरतों को समझकर, उनके प्रति हमारी भावनाओं को और शुद्ध रखकर, उनकी कमज़ोरियों के प्रति चिंतन न करके उनके प्रति शुभ भावनाएं रखते हैं, तो हमारी जो सकारात्मक ऊर्जा है, हमारा जो आत्मिक प्रेम का भाव है, वो धीरे धीरे हमारे उस लाइफ पार्टनर को भी परिवर्तन करता है. उनको भी महसूस होता है कि ये जो मेरे पत्नी या पति इस ज्ञान में चल रहे हैं, इससे मुझे भी फ़ायदा है, मेरे परिवार को, मेरे घर के वातावरण को भी और ये शांत बनाने में मददगार है. तो जब उसका फ़ायदा वो महसूस करते हैं तो आपको साथ देंगे. लेकिन अगर वो महसूस करते हैं कि वहाँ फ़ायदा नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ बातों में वो नाराज़गी है, तब वो रोकते हैं. तो किस बात की नाराज़गी है वो समझ कर, उनसे बात करके हमारे अंदर हम क्या परिवर्तन कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है. और दूसरा, जैसे बताया कि उनके लिए शुभ भावना हमें ज़रूर रखना है और उनको भी इन्वॉल्व करना है. तो जब तक वो इन्वॉल्व नहीं है, तब तक उनके साथ से ही, जितना उनकी छुट्टी है उनके साथ से, हम अंदर ही अंदर गुप्त रूप में अपने अंदर परिवर्तन करते जाएं, अपने जीवन को सुंदर बनाते जाएं, अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाएं, घर के वातावरण को और पॉजिटिव बनाएं. तो उसका जो प्रैक्टिकल उनको मिसाल महसूस होगा, उससे उनको प्रेरणा मिलेगी, वो आपको साथ देंगे. सूरज भाई, आप कुछ कहेंगे? ठीक है, बहुत अच्छा. अगला क्वेश्चन है, वनस्पति, पेड़ पौधे मूल तत्व से जुड़े हैं तब तक जीवित रहते हैं. कण कण में ऊर्जा है तो जीवन है, अलग होते ही जीवन नहीं रहता, इसका क्या मतलब है? प्रश्न बहुत सूक्ष्म है. ये सत्य है कि चेतना हर जगह दिखाई देती है. वृक्ष फल फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आबू में सूखे थे, बारिश होते ही हरे भरे हो गए, जीवन सब जगह है. लेकिन ये चेतना और कुछ नहीं, मनुष्यात्मा के वाइब्रेशंस का इफेक्ट है. हम सभी मनुष्य जो चेतन है, आत्मा जो चेतन है, उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं, वो हमारे चारों ओर की प्रकृति में समा जाते हैं. उसका ही चेतन स्वरूप हमें चारों ओर दिखाई देता है. दो तरह की ऊर्जा हैं, एक आत्मा की ऊर्जा जिसे स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं, और एक फिजिकल एनर्जी जो प्रकृति की ऊर्जा है, वो भी एक शक्ति है. जैसे एटम बम है, बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन उसे स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं कहा जाएगा. तो ये दो शक्तियाँ साथ साथ काम भी करती हैं, एक दूसरे से प्रभावित भी रहती हैं, और यही इसके पीछे रहस्य है. बाकी जो बात कह रही थी बहन जी, बहुत अच्छा उत्तर दिया. अगर बहनों को ऐसी समस्या आती है तो वो अपने घर में विशेष योग कर लें, थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशंस दें अपने साथी को. और अगर आप भोजन बनाते हैं तो भोजन में बहुत पवित्र वाइब्रेशंस भरेंगे, ताकि खाने वाले के विचार और अधिक शुद्ध और महान हो जाएं. लास्ट क्वेश्चन भाई जी, पिछले 4-5 सालों से मेरी आँखों में ड्राइनेस का प्रॉब्लम है. कई डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, जवाब नहीं मिल रहा है. मुझे देखने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो योग से कुछ सुझाव हो जाए. और अच्छा, हाँ, प्रश्न समझिए. नैनों में ब्लाइंडनेस, दिखना कम होता जा रहा है. बहुत अच्छे अच्छे अनुभव लोगों के इसमें आ गए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ. 3 तो बिल्कुल ब्लाइंड माताएं जो बहुत बुजुर्ग थी, उनकी नेत्र ज्योति वापस आ गई. कईयों के सिर दर्द, माइग्रेन जो बहुत भयानक थे, वो ठीक हो गए. हमारे प्रयोग कई ऐसे बच्चों पर चालू हैं जो गूंगे और बहरे हैं. तो ये नसें जो उनकी वीक हैं बचपन से ही, अगर हम ब्रेन को एनर्जी दें, यदि हम अपनी आँखों को एनर्जी दें, तो उसका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी हमें दिखाई देता है, रिजल्ट मिलता है. और एनर्जी देने की विधि है, दोनों हाथ मलते हुए 3 बार याद करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ. आँखों के लिए हाथों में से प्योर एनर्जी निकलने लगेगी, और फिर ये दोनों हाथ
आँखों पे रख देंगे, ऐसे करके दोनों आँखों पे एक मिनट तक रखेंगे, ऐसा 10 बार सवेरे कर लें, 10 बार शाम को, बहुत अच्छा रहेगा। ब्रेन को एनर्जी देनी है, क्योंकि ब्रेन ही कंट्रोल करता है, चाहे वो आँख हो, कान हो, पूरा शरीर हो, बीमारियाँ हो, हेल्थ हो, सबका जिम्मेदार ब्रेन होता है। दोनों हाथ मलते हुए 3 बार याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आपके हाथों से शक्तियाँ वाइब्रेट आउट होने लगेंगी। आप ऐसे हाथ करेंगे, आपको पता चलेगा शक्तियाँ निकलने लगी हैं हाथों से, उन्हें सिर पर रख देंगे दाएं बाएं 1 मिनट के लिए, इससे ब्रेन को एनर्जी जाएगी। ऐसे 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम को। अगर 20 मिनट कोई रेगुलरली अपने शरीर के लिए देने लगे तो बहुत जल्दी बहुत गुड रिजल्ट अनेक बीमारियों में देखे गए। लोगों के माइग्रेन ठीक हो गए, जिस पर लाखों रुपए खर्च कर चुके थे पेशेंट, सिर दर्द, आधा सिर का दर्द होता था, अति भयानक, आँखों में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, ऐसे ब्रेन में ट्यूमर हो गया था, राइट हैंड रखा, ट्यूमर डिजोल्व हो गया, पिघल गया, ख़त्म हो गया, हार्ट में छेद हो गए, हार्ट के छेद भर गए, किडनी फेल हो गई, 4 केस ऐसे बहुत सुंदर मेरे पास हैं, किडनी बिल्कुल परफेक्ट हो गई, फेल हुई किडनी, जिनको कह दिया था कि अब डायलिसिस भी चलेगा 2-3 साल, उसके बाद ख़त्म, वो किडनी परफेक्ट हो गई। तो ये हमारे ही संकल्पों की एनर्जी हम हाथों के द्वारा भिन्न भिन्न अंग को देंगे, लीवर को दे सकते हैं, पैनक्रियाज को दे सकते हैं, शुगर बहुत रहती हो यहाँ, इसे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, बहुत मदद मिलेगी। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी और दीपा दीदी। मैं बत्रा भाई को आमंत्रित करती हूँ, उन्होंने खास कहा कि मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, तो आ सकते हैं यहाँ पे। बाकी दीदी और भाई जी ने बहुत सुंदर हमारे सामने रखा कि कैसे योग के प्रयोग से हम सारे सॉल्यूशन जो भी है निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रश्न जो है उनका समाधान हमारे ही पास में है, और ख़ास करके अमृत वेले का समय, क्योंकि ये ऐसा समय शुद्ध वेला है, उसी समय हम स्वयं में भी वो शक्ति भर सकते हैं, औरों को भी दे सकते हैं। क्योंकि आप देखते हो काफ़ी समय, काफ़ी टाइम, कि जब भी कोई फिल्म हमको अगर डाउनलोड करना है तो कौन सा समय होता है, रात के समय ही करते हैं। तो सेम वही टाइम परमात्मा हमारे लिए ही है, तो उस समय हम सकार स्वयं में भी भरे, औरों को भी हम ये योगदान दे सकते हैं। आदरणीय वो बत्रा भाई। ओम शांति, सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। बिजनेस मीट में आए हुए डेलीगेट्स भाई बहनों की तरफ से अगर हम धन्यवाद ज्ञापित नहीं करते हैं तो ये हमारे पार्ट पर कृतघ्नता होगी। तो मैंने सोचा इतना अच्छा स्वर्णिम युग मिला है हमें, इतने अच्छे अच्छे लेक्चरार मिले हैं हमें यहाँ पर, अगर हम अपनी तरफ से धन्यवाद के 2 शब्द भी उनके लिए ज्ञापित नहीं करते तो बेकार है। तो मैंने यही प्रार्थना की थी। जहाँ तक प्रश्न है, व्यापार का एक सिद्धांत है, व्हेन वी कम टुगेदर इट इज़ बिगनिंग, when we sit together it is progress, and when we work together it is success। ये business का rule है। मैं AD बत्रा दिल्ली से अस्ताल सेंटर से आया हूँ, और वहाँ पर 300 होलसेल की दुकानें हैं, मैं उनका जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो जहाँ तक मैंने देखा है कि व्यापार के अंदर जो सबसे बढ़िया बात मुझे यहाँ लगी है, हमें बताई गई कि हमें दूसरे के फायदे को भी देखना है। जब तक हम दूसरे के फायदे को नहीं देखेंगे हमें दुआएं नहीं मिलेंगी, और वो जो धन होगा उससे जो अन्न आएगा और उससे जो मन बनेगा वो पवित्र नहीं होगा। जहाँ तक राजयोग का, हमारे भीष्म पितामह सूरज भाई जी तपोमूर्ति यहाँ बैठे हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। जैसे एक बुज़ुर्ग अपने बच्चों को सहज भाव से बताता है, वैसे ही इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया है। इनके बारे में मैं क्या कहूँ। सीधा सादा प्रेम की मूरत, जिसे न छुपाया अभिमान, दृढ़ संकल्पी मानव है ये, चाहता है ना झूठी शान।
जहाँ तक हमारी छोटी बहन प्रतिभा बैठी हैं, वास्तव में ये प्रतिभा की धनी हैं। इनकी एंकरशिप देखकर मैं दंग रह गया। इनकी वाणी में है जादू, इनकी वाणी में है जादू जो सब पर असर दिखाता है। जो भी इनसे मिला कभी वह इनका ही हो जाता है। दीपा बहन बैठी हैं, बहुत यशस्वी हैं, कीर्तिमान हैं, उज्जवल भविष्य है इनका। इनको हम दुआएं देते हैं। दीर्घायु हो बनो यशस्वी, दीर्घायु हो बनो यशस्वी है यही कामना हम सब की। खुशियां पाओ, खुशियां बांटो, सेवा यही है उस रब की। अब मैं कुछ मैंने अपने विचार जो यहाँ मैंने सीखा है और जो धन्यवाद के रूप में मैं कहूँगा इनको। दिशा बदली दशा बदली, दिशा बदली दशा बदली, बदला सोच विचार, पांच दिनों के शिविर ने बदला जीवन का व्यवहार। काम क्रोध और लोभ मोह ने, काम क्रोध और लोभ मोह ने जीवन सबका घेरा था। तड़क भड़क की चकाचौंध ने अज्ञान का घोर अंधेरा था। राजयोग से सदना सीखा, राजयोग से सदना सीखा, चंचल मन को साध के हमने। राजयोग से सदना सीखा, चंचल मन को साध के हमने। ध्यान योग की दौलत पाई, पाया प्रजापिता बाबा का प्यार। दिशा बदली दशा बदली, बदला सोच विचार, पांच दिनों के शिविर ने बदला जीवन का व्यवहार। आत्मज्ञान की गंगा, आत्मज्ञान की गंगा बहती है दिन रात यहाँ। जो भी आए वो तर जाए, अमृत की बरसात यहाँ। बाबा की महिमा अपरंपार, दिशा बदली दशा बदली, बदला सोच विचार। दूर दूर से साधक आते, दूर दूर से साधक आते, करने नेक कमाई, जीवन का सच्चा सुख पाते। महिमा राजयोग के ज्ञान की, यहाँ सब आए बारंबार। दिशा बदली दशा बदली, बदला सोच विचार। सीखा बहुत कुछ हमने, अब धन्यवाद आपका। सीखा बहुत कुछ हमने, ऋणिये हम तुम्हारे, क्या क्या गिनाए सबको, मिला सभी से पावन प्यार। धन्य धन्य बाबा का द्वार, दिशा बदली दशा बदली, बदला सोच विचार, पांच दिनों के शिविर ने बदला जीवन का व्यवहार। अब हम यहाँ से एक शपथ लेके जा रहे हैं, नया कदम लेके जा रहे हैं। नया कदम है जिंदगी, ज्ञान की गंगा बहानी हमें भी। नया कदम है जिंदगी, नया कदम ही शान है, नया कदम ही बंदगी, नया कदम भगवान है। राजयोग ने बदला सबका, राजयोग ने बदला सबका ही है व्यवहार। दिशा बदली दशा बदली, बदला सोच विचार। अंत में मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, यहाँ सेवादार भाइयों का जो सहयोग मिला, या हमारे जो लेक्चरर आए उनका जो सहयोग मिला, और सबसे बड़ा वेस्ट दिल्ली में भी ऐसी एक बिजनेस मीट हमारी बहन जो है गीता दीदी के संरक्षण में हुई थी, उसमें हमारे व्यापारी भाइयों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। गीता दीदी यहाँ मौजूद नहीं है, उन्होंने इसको बहुत सराहा था। ऐसे मौके हमें मिलते रहें, ऐसा दिशा बोध हमारा होता रहे, तो समझते हैं बिजनेस भी हम ईमानदारी से कर सकते हैं। जबकि हालांकि आज के कलयुग में ऐसा संभव नहीं है, लेकिन जो अभी बात बता रहे थे, हमने भी हमारी होलसेल मार्केट में एक दाम का कर रखा है कि दूसरा दाम नहीं होगा। सब ने मिलकर मीटिंग की है, हालांकि हमारे साथ डेलीगेट्स और भी आने वाले थे हमारी मार्केट की तरफ से, वहाँ शिमला के पास चहल गए हुए थे। अगली अगर कोई मीट होगी तो उसके अंदर हमारे और भी ज़्यादा प्रतिनिधि आएंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बत्रा भाई जी। अगली हमारी कॉन्फ्रेंस अभी एक महीने के अंदर ही है, 31 अगस्त से 4 सितंबर, और भी कोई आपके वहाँ के आना चाहे तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, नीचे आबू रोड में रहेगी। भाई साहब ने धन्यवाद तो कर ही लिया, आप सबका भी हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद उस परम पिता परमात्मा शिव बाबा का, जिन्होंने हमको
ऐसे आपस में इतना सुंदर परिवार से मिला दिया और साथ ही साथ हमारे ज्ञान सरोवर निवासी जो भाई हैं यहाँ के साथ साथ हमारे आदरणीय भ्राता सूरज भाई जी जो पूरे तीनों जगह जो भंडारा उनका पूरा संचालन हमारे भाई जी करते हैं और खास दिन रात जो हमारे ये भाई लोग लगे होते हैं क्योंकि ये तीन दिवस कॉन्फ्रेंस उसके बाद एक दिन का गैप और तुरंत दूसरे वीक का कॉन्फ्रेंस यहाँ शुरू होगा तो हम सब तालियां बजाकर इन सब का धन्यवाद करेंगे कि इन्होंने इतनी मेहनत की ज्ञान सरोवर के जितने भी डिपार्टमेंट हैं सारे रात दिन लगातार हमारे इस कार्य को सफल करने के पीछे लगे थे तो हम तहे दिल से इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे ओम शांति